हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में हम अप्रैल के पहले हफ्ते का भाग दो कवर करेंगे। एक दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। थोड़ा सा वीडियो लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी के जो हमारे यूपीएससी के जो पेनड्राइव यूज़र हैं उनके लिए करंट अफेयर बना रहा था। पिछले 11 दिन से लगातार मैं करंट अफेयर रिकॉर्ड कर रहा हूँ एनवायरनमेंट इकोलॉजी के। फाइनली कल रात को सारे खत्म हो गए हैं, अब मैं एकदम फ्री हूँ। तो आने वाले जो दिन हैं उनमें बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आएंगे और इसमें करंट अफेयर सारे आएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस आएगा, मार्च का बचा हुआ है अभी बैंकिंग अवेयरनेस, और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक ऐसा है जिस पे वीडियो बनाऊं मैं यूट्यूब के लिए, तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं अब बिल्कुल फ्री हूं अगले कम से कम एक महीना, और इस वीडियो में मैं अप्रैल का फर्स्ट वीक का पार्ट टू कवर करूंगा। याद रखिए, पार्ट वन मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, पहले उसे देखिए जाके। उसमें मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट करी थी, जो भी क्वेश्चन लिखता हूं अब हिंदी में भी लिखता हूं स्क्रीन पे। पहले मैं सिर्फ इंग्लिश में लिखता था, अब हिंदी में भी लिखता हूं। तो इसमें मैं 2 से 5 अप्रैल के MCQ कवर करूंगा। टोटल MCQ है 120, तो ये लंबा वीडियो होगा। मेरा अनुमान है कि ये वीडियो लगभग 1 घंटे का होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमारी सेल स्टार्ट हो गई है 11 तारीख, यानी आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 तारीख की सुबह है, और 11 तारीख से हमारी सेल है 18 तारीख तक। आप इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। SSC, बैंक PO, UPSC, CDS, टेस्ट सीरीज भी आती है। आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए studyiq.com। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा या हमारी वेबसाइट studyiq.com पे मिलेगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मैंने क्विज स्टार्ट कर दिए हैं। 16,000 बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं यहाँ पे और सारे क्विज में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो मेरी ID है tirelesssoul, या ट्विटर पर जुड़ सकते हैं gaurav.garg888। चलिए शुरू करते हैं। और आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था पहले वीडियो पे, आपने कहा कि क्वेश्चन स्क्रीन पे हिंदी में भी लिखे होने चाहिए। तो ठीक है, क्वेश्चन हमेशा हिंदी में लिखे होंगे। आपको बताना है कि जो हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च करा है। वर्चुअल असिस्टेंट, इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है इन्होंने समृद्धि। समृद्धि, और आपने जो ये डे है इनका, इसमें इन्होंने कई तरह से सेलिब्रेट करा, जैसे संपर्क, संवाद, सुरक्षा, संप्रेषण इत्यादि। इनका ये MSME कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है। इस बैंक के चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये वही बैंक है जो भारत में मुद्रा योजना चलाता है, और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, सिडबी का, और सेबी का है मुंबई में। जो हमारे बिजली मंत्री हैं और हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री हैं RK सिंह, इन्होंने 60 मेगावाट की क्षमता वाला नैतवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी अभी उसका आधारशिला रखी। कहाँ पे रखी? ये रखी गई उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इनके जीवन पे किताब रिलीज हुई थी, त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा, खैरा सेण का सूरज। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, यहाँ पे जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व है, और इन दोनों को कनेक्ट करता है लैंड्स डाउन टाइगर डिवीजन जिम कॉर्बेट और राजाजी को कनेक्ट करता है। यहाँ के जो गवर्नर है वो है KK पॉल। इनमें से नया ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी में जो वैज्ञानिकों ने अभी अभी डिस्कवर करा है? इसको बोलते हैं इंटस्टिशियम। ये हमारी बॉडी में एकदम नया ऑर्गन है इंटस्टिशियम। ग्रैम क्रैमर, ये कौन सी टीम के कैप्टन थे क्रिकेट में? इन्हें हटा दिया गया है, और इनके जो कोच हैं हीथ स्ट्रिक, उन्हें भी हटा दिया गया है। सो ये जो वर्ल्ड कप होगा अगले साल, उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई टीम, तो ये टीम है जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे जो है, इनके नए कैप्टन बने हैं ब्रेंडन टेलर। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, ये एक अफ्रीका का देश है। कौन सी फुटबॉल टीम है जिसने संतोष ट्रॉफी जीत ली? बात हो रही है फुटबॉल की, ये इनका छठा टाइटल था। मैं बात कर रहा हूँ केरल की। और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। इन्होंने एक स्कीम स्टार्ट करी थी शी पैड, जिसमें सैनिटरी नैपकिन जो होते हैं वो लड़कियों को, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। शी पैड जैसी स्कीम एक उड़ीसा ने स्टार्ट करी है जिसका नाम है खुशी। इसमें भी उड़ीसा की सरकार वही कर रही है जो शी पैड में केरल की सरकार कर रही है। और गोवा ने स्टार्ट करी है एक स्कीम जिसका नाम है स्त्री सखी। और महाराष्ट्र की सरकार ने स्टार्ट करी है अस्मिता योजना। ये सारी चारों की चारों सैनिटरी नैपकिन के लिए स्टार्ट की गई हैं। केरल में एक मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क ये इदुकी डिस्ट्रिक्ट में है। ये न्यूज़ में था मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क, क्योंकि इसके सिर्फ 5 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के थेनी में बनाया है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट। इनमें से किसे सिलेक्ट किया गया है JC डैनियल अवार्ड? केरल की सरकार ने दिया है। केरल की जो सरकार है उनका सबसे ऊंचा सम्मान होता है आजीवन योगदान मलयाली सिनेमा के लिए। ये एक मशहूर लिरिसिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर हैं। इनका नाम है श्री कुमारन थम्पी।
केरल के दो इंपॉर्टेंट डांस हैं, एक तो है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम। ये है केरल के डांस। बाकी यहाँ पे एक पंबाडम शोला नेशनल पार्क भी है, एक मत्तिकेट्टन शोला है, पेरियार नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पेरियार। और केरल का स्टेट एनिमल है एलिफेंट। केरल, कर्नाटक और झारखंड तीनों का स्टेट एनिमल है एलिफेंट। और केरल में भारत में कर्नाटक और असम के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एलिफेंट होते हैं। सबसे बड़ा नेशन बिल्डिंग डिजिटल इनिशिएटिव हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, एचआरडी जो मिनिस्ट्री है, उनका सबसे बड़ा नेशन बिल्डिंग डिजिटल इनिशिएटिव अभी अभी कंक्लूड हुआ। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम रखा था स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। इसमें 8000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था लगभग, इसके अंदर 8000 बच्चों ने। जो हमारा वित्त मंत्रालय है उन्होंने अनाउंस करा है कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है जो प्रोसेस किए गए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो कितने रुपए के ट्रांजेक्शन हुए हैं? टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है 98,19,026 और इनकी वैल्यू है 71,633 करोड़। नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग ने जो 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं इनको कितने पैरामीटर पर इनकी जो बेसलाइन रैंकिंग है वो लॉन्च करी है, यानी ये जो 115 डिस्ट्रिक्ट हैं इन्हें रैंकिंग की जाएगी, इनके जो पैरामीटर होंगे वो होंगे 49। ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे भारत के जो जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं या आतंकवाद से प्रभावित हैं, और ये इनका विकास किया जाएगा 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम का। भारत के तीन राज्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये स्कीम का हिस्सा नहीं है। ये जो फोटो में है अमिताभ कांत है, नीति आयोग के ये सीईओ हैं। स्विफ्ट ने अनाउंस करा है कि जो उन्होंने जीपीआई ट्रैकर है उसका विस्तार किया है, उसको बढ़ा दिया है, और ये अब जितने भी पेमेंट इंस्ट्रक्शन है स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू उनको कवर करेगा। तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म में एस क्या है? स्विफ्ट बोलते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सोसाइटी। तो ऐसे क्या है? सोसाइटी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि स्विफ्ट। स्विफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है अगर पूछ लो तो मैं आपसे? स्विफ्ट का हेडक्वार्टर ला हल्पे नाम की जगह पे है, और ला हल्पे जो है ये बेल्जियम में है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर है नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय इस्पात, इस्पात बोलते हैं स्टील को, और इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, जिसको बोलते हैं विजैग। विशाखापट्टनम को क्या बोलते हैं? विजैग। ये है आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे पापीकोंडा नेशनल पार्क है जो काफी न्यूज में चल रहा था, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ पे पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक। मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू और इन व्यक्ति का नाम है पीके रथ। इनमें से एशिया का सबसे बड़ा जो स्टार्टअप कंक्लेव है ये केरल स्टार्टअप मिशन के द्वारा कोवालम में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था हडल केरला, हडल केरला। इसमें लगभग 2000 मेंबर ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट का, जो एससी एसटी एक्ट था। तो आपको बताना है कौन से एक्ट पे इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अब एससी एसटी एक्ट में अगर कोई मान लो अनुसूचित जाति या जनजाति वाला जो व्यक्ति है अगर वो मान लो केस फाइल कर देता है आपके ऊपर तो फिर अब आपकी अग्रिम जमानत हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया है, थोड़ा सा उदार बनाया गया है। तो ये है एससी एसटी एक्ट ऑफ 1989, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से इथोपिया जो देश है इसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इथोपिया की राजधानी है एडिस अबाबा, और इथोपिया के एक व्यक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको बोलते हैं टेड्रोस अधानोम। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं इस वक्त, उनके डायरेक्टर जनरल हैं जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। खैर, इथोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं आबिए अहमद, आबिए अहमद। और इथोपिया की जो मुद्रा है उसे बोलते हैं बीर, BIRR। वित्त मंत्रालय ने अनाउंस करा है कि उन्होंने इनमें से कितने रुपए का सिक्का लॉन्च करा है, क्योंकि श्री गुरु गोविंद सिंह जी इनका 350वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया था, तो उसके याद में उनको सम्मान करने के लिए तो 350 रुपए का सिक्का लॉन्च करा है, 350 रुपीज का, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से स्टेट इलेक्शन आइकॉन, कर्नाटक में चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कर्नाटक में जो स्टेट इलेक्शन आइकॉन है वो कौन सा, किसको बनाया गया? एक तरह से जो कहते हैं चुनावों का एम्बेसडर एक तरह से किसे बनाया गया? तो इनका नाम है राहुल द्रविड़। कर्नाटक ने अभी अभी अपना एक झंडा भी बनाया था, और कर्नाटक में जो चुनाव है ये एक ही चरण में होंगे और ये 12 मई को होंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ओपी रावत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया। इनमें से
किसका कार्यकाल है, किसका टेन्योर है एनबीसीसी के चेयरमैन के तौर पे, जिसको एक्सटेंड कर दिया है एक साल से, यानी इनकी रिटायरमेंट थी लेकिन अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने अब इनका जो टेन्योर है एक साल और बढ़ा दिया है। एनबीसीसी बोलते हैं नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को। इनका नाम है अनूप कुमार मित्तल। हरियाणा स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल है एक, उसे नाम दिया है शहीद मेजर विकास यादव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये कहाँ पे है? ये है कोसली में, और कोसली पड़ता है रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ये मेजर विकास यादव जो है जाट रेजिमेंट के, इन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए किया है, इनको सम्मानित करने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए ये शहीद हुए। और हरियाणा में वर्ल्ड डिज़ाइन यूनिवर्सिटी बनी है अभी अभी। ये कहाँ बनी है? ये बनी है सोनीपत में। हरियाणा का जो स्टेट एनिमल है वो है ब्लैक बक, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था ब्लैक बक। और हरियाणा का ही नहीं है, आंध्र प्रदेश का भी और पंजाब का भी है, तीनों राज्यों का जो स्टेट एनिमल है वो है ब्लैक बक। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। इंडियन सेलुलर एसोसिएशन के हिसाब से भारत कौन से देश को पीछे छोड़ के दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा मोबाइल फोन का निर्माता यानी उत्पादक बन गया है? कौन से देश को पीछे छोड़ा है हमने? हमने छोड़ा है वियतनाम को पीछे। अब हम हैं नंबर टू, सो आंसर है इसका वियतनाम। वियतनाम की जो राजधानी है वो है हनोई। भारत में अगर मैं बात करूं 2017 में, तो हमने 11 मिलियन फोन बनाए हैं, 1.1 करोड़ फोन भारत ने खुद के अपने प्रोड्यूस करे। नंबर वन चाइना, और वो भी काफी बड़े, काफी आगे है। मतलब कौन सा कंट्री है जिसने सक्सेसफुली एक न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण करा, जिस मिसाइल का नाम है सरमत? तो ये है रशिया। रशिया का एक रॉकेट भी है जिसे बोलते हैं सोयूज रॉकेट, और नासा का रॉकेट है एटलस 5, जो जिन्होंने अभी सैटेलाइट छोड़ी है, जिसका नाम है गोज एस। ये वेदर सैटेलाइट है, मौसम की दुनिया की सबसे एडवांस सैटेलाइट है। चाइना का रॉकेट है लॉन्ग मार्च, और भारत यूज करता है पीएसएलवी वगैरह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रॉकेट हैं, और एक है फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी, ये है रॉकेट एलन मस्क की कंपनी के, जिसका नाम है स्पेसएक्स। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसका चीफ कौन बना है, डायरेक्टर जनरल? इनका नाम है विनीत जोशी। विनीत जोशी आपको नाम सुना हुआ लग रहा होगा, क्योंकि सीबीएसई के पूर्व चीफ हैं ये, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के। और ये कुछ नए पद हैं जो दिए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, आप याद रखना चाहें। जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह हैं अलग अलग उसके, 15 फाइनेंस कमीशन के, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये सब तो मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। हाँ, दो तीन जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो सेक्रेटरी रहते हैं, जैसे हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय में सेक्रेटरी हैं प्रीति सुडान, या ये सब न्यूज़ में रहते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। इनमें से कौन से कंट्री की ओपोजिशन पार्टी है जिन्होंने भारत का जो एग्रीमेंट था, देखिए भारत जो है वो इनमें से कौन से देश से एक आइलैंड का समझौता हुआ था, इस आइलैंड का नाम है अजम्पशन आइलैंड। तो हमारा समझौता हुआ था सेशल से, अब सेशल की ओपोजिशन पार्टी ने मना कर दिया भारत को कि वो अजम्पशन आइलैंड नहीं ले सकती, तो ये भारत की जो विदेशी नीति है उसके लिए एक हार है। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, और एक देश है मॉरिशियस, मॉरिशियस से हम लेना चाहते हैं चगोस आइलैंड, इस पर भी बात चल रही है, चगोस नाम का आइलैंड लेना चाहते हैं मॉरिशियस से। कितने कीर्ति चक्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन में दिए हैं अभी अभी, ये डिफेंस इन्वेस्टिट्योर सेरेमनी हुई थी, कितने कीर्ति चक्र दिए? कीर्ति चक्र दिए हैं तीन। 17 दिए हैं शौर्य चक्र, 14 दिए हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल, 1 दिया है उत्तम युद्ध सेवा मेडल, और 21 दिए हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल। ये क्लियर है आपको? शौर्य चक्र जो दिए हैं वो शौर्य चक्र 17 दिए हैं, कीर्ति चक्र 3 दिए हैं। भारत में याद रखिए सबसे ऊंचा जो वॉल टाइम और पीस टाइम अवार्ड अलग अलग होते हैं, तो जो वॉल टाइम है सबसे ऊंचा वो होता है परमवीर चक्र, और जो पीस टाइम सबसे ऊंचा होता है वो होता है अशोक चक्र। इनमें से डीजीबीआर यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स कौन बना है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। आयकर विभाग जो है हमारा सीबीडीटी, उन्होंने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है, पहले थी 31 मार्च, अब नई कितनी है, नई है 30 जून। 17वां सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप ये कहां पे शुरू हुआ है? ये जम्मू में हुआ है, जम्मू वुशु चैंपियनशिप। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत में स्टेट और नेशनल हाईवे बनाता है, उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर डिसाइड कराया कि हमें ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे। कहां बनेगा ये ग्रीन कॉरिडोर? ये वाराणसी में बनेगा, वाराणसी। और वाराणसी में एक मंदिर भी है, काशी विश्वनाथ मंदिर, और एक मणिकर्णिका घाट, 80 घाट, ये सब भी है वाराणसी में। प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव
क्षेत्र है ये, और वाराणसी का एक क्योटो जो जापान में एक शहर है उसके साथ एक एग्रीमेंट है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, क्योटो वाराणसी एग्रीमेंट बोलते हैं इसे वाराणसी में। इसके अलावा वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का जो पहला बटरफ्लाई पार्क बना है तितलियों के लिए वो बना है कानपुर में, मध्य प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क बना है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, और हरियाणा का बना है गुरुग्राम में। ये तीन बटरफ्लाई पार्क अभी अभी बने हैं। नैसकॉम की नई प्रेसिडेंट कौन बनी है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आर चंद्रशेखर को रिप्लेस करा इन्होंने, इनका नाम है देवजनी घोष। भारत और पाकिस्तान ने डिसाइड करा है कि वो जो अपने आपसी जो मनमुटाव है उन्हें सुलझाएंगे, खासकर जो राजदूतों की ट्रीटमेंट से रिलेटेड थे। एक दूसरे देशों के जो राजदूत हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनको हैरास किया जा रहा है, उनको उत्पीड़न हो रहा है, कई तरह का मानसिक उत्पीड़न वगैरह। तो भारत के कौन है उच्चायुक्त पाकिस्तान में, इनका नाम है अजय बिसारिया, और उल्टा मतलब पाकिस्तान के भारत में कौन है, सोहेल महमूद, और भारत के पाकिस्तान में है अजय बिसारिया। कौन से स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं जिनका मोम का पुतला वैक्स स्टैचू मैडम टुसाओ जो है दिल्ली वहां पे बनाया गया है, इनका नाम है विराट कोहली। वी श्री हर्षा, इनका निधन हो गया, ये कौन थी, ये एक पत्रकार थी, सो आंसर है जर्नलिस्ट। कौन सी कंपनी है जिसने एक नया मंच लॉन्च करा है जिसका नाम है वुमेन इन टेक, ये कंपनी है आरबीएस इंडिया। ये स्टेम कैरियर के लिए किया है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप अक्सर सुनेंगे। स्टेम कैरियर क्या होता है, एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग और एम से मैथ, इसको बोलते हैं स्टेम कैरियर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा है कि जो फिक्स डिपॉजिट है उन पे ये जो रेट है वो बढ़ाएंगे 10 से 25 पॉइंट। तो कितना फिक्स डिपॉजिट, मतलब वो उस फिक्स डिपॉजिट पे बढ़ाएंगे जो कितने टाइम से बैंक में रखा हुआ है, ये 2 साल से जो ज्यादा रखा है उस पे बढ़ाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है उनका नाम है रजनीश कुमार। अगर मान लो 1 करोड़ से कम रुपया रखा है 5 से 10 साल के लिए बैंक में, तो उस पे 6.5% से बढ़ा के कर देंगे 6.75%, और अगर 1 करोड़ रुपए से कम का धन है 3 से 5 साल के लिए तो 6.5 से बढ़ा के कर देंगे 6.7%। कौन सी सैटेलाइट है जो चाइना ने लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से छोड़ी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के द्वारा, ये है BDU-3, ये इंपॉर्टेंट है, और चाइना का ये जी चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर और ये है सिचुआन प्रोविंस में। अभी अभी चाइना की एक सैटेलाइट थी जिसने काम नहीं किया, जो क्रैश हो गई है, तो क्या आप उसका नाम कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं किसकी बात हो रही है। कौन से राज्य की सरकार है जिसने 181 सखी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट करा है महिलाओं के लिए, ये स्टार्ट करा है असम की सरकार ने। असम में एक मंदिर भी है गुवाहाटी में जिसको बोलते हैं कामाख्या टेम्पल है गुवाहाटी में। जो मंदिर है बहुत आते हैं एग्जाम में, आजकल तो बहुत आ रहे हैं, जैसे न्यूज में आ जाते हैं ना, जैसे भारत में एक मंदिर है मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई है तमिलनाडु में, ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि इसे सबसे साफ सुथरा स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का अवार्ड मिला है, बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस। और एक तमिलनाडु में मंदिर और है, तमिलनाडु के मंदिर ही ज्यादा आते हैं एग्जाम में। एक है बृहदेश्वर टेम्पल, ये तो फेवरेट मंदिर है एग्जामिनर्स का। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है, थंजावुर, भगवान शिव का मंदिर है, ये तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर, ये चोला वंश के राजाओं ने बनवाया था, स्टैटिक भी बता देता हूँ चलो, ठीक है। और एक और है जो जिसको बोलते हैं श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, श्री रंगम में है ये तमिलनाडु में, इसे मिला था यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। क्यों मिला इसे, क्योंकि इसका जो कंजर्वेशन वर्क है वो काफ़ी अच्छा हुआ है पिछले 4 सालों में, 2014 में इसका कंजर्वेशन वर्क स्टार्ट हुआ था, और काफ़ी मतलब ये जो मंदिर है इसका मतलब वो किया गया है, तो ये मंदिर भी काफ़ी न्यूज़ में था, श्रीरंगम में जो है ये श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। एक है बृहदेश्वर मंदिर थंजावुर, और एक मीनाक्षी मंदिर है जिसको बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक का इसका अवार्ड मिला था। असम का वैसे एक डांस भी है जिसको बोलते हैं बिहू। इनमें से जो 65वें नेशनल फिल्म अवार्ड हैं इनका जो सेंट्रल पैनल है उसका चेयरमैन कौन बना है, इनका नाम है शेखर कपूर। कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो अभी खुल गया भारत में, स्टार्ट हो गया है, ये है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु, और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अजय कनवल। ये जो बैंक है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, पहले ये जन लक्ष्मी नाम का एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, जन लक्ष्मी नाम का। कौन सा बैंक है जिसने अनाउंस करा है कि वो मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस कम से कम 10,000 अपनी बैंकिंग पॉइंट पे रखेगा भारत में, ये है फिनो पेमेंट बैंक।
फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? ऋषि गुप्ता, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये दोनों नाम याद रखिए, ऋषि गुप्ता। एक अंतरराष्ट्रीय यॉटिंग फेस्टिवल अभी अभी इनॉग्रेट हुआ, कहां पे हुआ ये हुआ विशाखापट्टनम में। अगेन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, विशाखापट्टनम जो ये मतलब आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है बहुत फेमस, जिसको बोलते हैं श्री सैलाम नागार्जुन सागर श्री सैलाम टाइगर रिजर्व। मैं रिपीट करता हूँ, नागार्जुन सागर श्री सैलाम टाइगर रिजर्व। इसमें से जब तेलंगाना अलग हुआ तो ये जो पार्ट इसका तेलंगाना में चला गया उसका नाम रख दिया गया अमराबाद टाइगर रिजर्व। अभी अमराबाद टाइगर रिजर्व अभी अभी एक एग्जाम में आया था कि भाई अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये तेलंगाना में है और ये अलग हुआ था नागार्जुन श्री सैलाम टाइगर रिजर्व से, जो कहाँ पे है, जो आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद की एक झील बहुत न्यूज में चल रही है जिसका नाम है नकनामपुर झील, नकनामपुर लेक। क्यों न्यूज में चल रहा है? क्योंकि इस पे एक फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड बनाया गया है, FTW, तैरता हुआ वेटलैंड, ये पानी को साफ करेगा। कौन से राज्य की विधानसभा है, असेंबली है यूएसए में, जिन्होंने ये कहा है कि जो अप्रैल है हर साल उसे हम एक सिख अवेयरनेस एंड अप्रिसिएशन मंथ बनाएंगे। कौन से राज्य की असेंबली ने कहा है अमेरिका में कि अप्रैल महीना हम सिख धर्म के बारे में, सिख जो समुदाय है वहाँ पे अमेरिका में, उनके बारे में बताने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए हम मनाएंगे, ये कहा है न्यूजर्सी ने। न्यूजर्सी अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं नए, वो हैं माइक पोम्पियो। चलिए अब आ जाए दूसरा सवाल। जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, इन्होंने जॉन बोल्टन, इन्हें कौन सा पद दिया है, कमेंट्स में लिख के बताओ। और तीसरा, अमेरिका में पहली बार CIA की डायरेक्टर एक महिला बनी है, क्या नाम है इस महिला का, कमेंट्स में लिख के बताओ। 2018 का थीम क्या है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म एक मानसिक रोग होता है, इसमें मान लो कोई जैसे 21 साल का व्यक्ति है तो वो 2 या 3 साल का होता है जैसा बिहेव करता है, मतलब काफी पीछे चल रहा होता है उसका डेवलपमेंट, ये मानसिक रोग है ऑटिज्म। तो 2 अप्रैल को मनाया गया था, इसका थीम क्या था, इसका थीम था एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स विद ऑटिज्म। कौन से राज्य की सरकार ने एक क्राइम ब्रांच बनाने का निर्णय लिया है, और ये जो मतलब क्रिमिनल्स को पकड़ेगी क्राइम ब्रांच बना के, ये निर्णय लिया है त्रिपुरा की सरकार ने। त्रिपुरा का जो स्टेट एनिमल है वो है लंगूर, फारेज लंगूर बोलते हैं इसे, और मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। इससे पहले जो थे वो थे माणिक सरकार, और ये भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री थे, इनके पास जो संपत्ति थी सिर्फ 20 लाख रुपए भी नहीं थे। और भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, और दूसरे सबसे अमीर हैं पेमा खंडू। गवर्नर है तथागत रॉय, राजधानी है अगरतला, और यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, GUMTI, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। त्रिपुरा की वैसे खिलाड़ी भी हैं दीपा कर्माकर, जो जिमनास्टिक्स करती हैं, जिमनास्ट हैं ये, ओलंपिक्स में 4th फिनिश किया था इन्होंने, और उनके कोच हैं विश्वेश्वर नंदी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बॉन्ड वैल्यूएशन का तरीका है वो चेंज कर दिया है, अब नया क्या अपनाया है, नया तरीका क्या अपनाया है, और जो आखिरी ट्रेडिंग डे होगा एवरी क्वार्टर का उस पे ये कैलकुलेट करेंगे। अब इन्होंने अपनाया है वेटेड एवरेज प्राइस। कौन सी भारत की, भारत नहीं पाकिस्तान की बात हो रही है, कौन सी पाकिस्तान की खुद की बनाई हुई मिसाइल है, ये एक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, तो ये पाकिस्तान ने टेस्ट करी अभी भी सक्सेसफुली, इसकी रेंज है 450 किलोमीटर, तो ये है बाबर। और इनकी एक और मिसाइल है बहुत ज्यादा डेंजरस, शाहीन ईगल बोलते हैं उसे, शाहीन ईगल। प्रधानमंत्री है यहाँ के शहीद खक्कान अब्बासी। और पाकिस्तान में सबसे ताकतवर आदमी कौन होता है, पाकिस्तान में सबसे ताकतवर आदमी होता है पाकिस्तान आर्मी का चीफ। पाकिस्तान और म्यांमार, ये 2 देश हैं जहाँ पे आर्मी राज करती है, तो पाकिस्तान की जो आर्मी का चीफ है आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है जनरल कमार जावेद बजवा, बस बजवा याद रख लो, BAJWA बजवा। और यहाँ पे एक पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी एक हिंदू महिला को पहली बार वहां कैबिनेट पोजिशन दी गई है, उनका नाम है कृष्णा कुमार कोहली। 114वीं मीटिंग परमानेंट इंडस कमीशन PIC की हुई अभी नई दिल्ली में, तो इंडस वाटर कमीशन का जो कमिश्नर है वो कौन है, जिसे बोलते हैं इंडस वाटर कमिश्नर, इनका नाम है पी के सक्सेना। इंडस बोलते हैं सिंधु नदी को, और आपको एक बात बता देता हूँ, वैसे तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें बहुत सारे प्लेसेस थे जहाँ पे उनके अवशेष मिले थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और इत्यादि। लेकिन अभी हरियाणा में एक जगह है राखीगढ़ी, मैं रिपीट करता हूँ, हरियाणा में एक जगह है राखीगढ़ी, वहां पे अभी भी खुदाई हुई है
और ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा थी राखी गढ़ी, और यहाँ पे बहुत कुछ मिला है, तो वो क्या मिला है उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो रिटायरमेंट एज है सरकारी कर्मचारियों की वो 60 से बढ़ा के कर दी है 62, ये करा है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे घाटीगांव नेशनल पार्क, घाटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओरछा जो तीकमगढ़ में वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पे कान्हा बांधवगढ़ पेंच पन्ना ये सब नेशनल पार्क है। यहाँ पे शिवराज सिंह चौहानिया के मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगर पूछें कि भाई कुछ फेमस इमारतें बताओ, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक तो है भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका केव्स, एक है सांची स्तूप, एक है खजुराहो के जो मंदिर है खजुराहो वगैरह, और एक है भीमबेटका की गुफाएं और एक है सांची स्तूप। लॉजिस्टिक स्टार्टअप एक कंपनी है रिविगो, इन्होंने कौन से बैंक के साथ टाई अप करा है? इन्होंने करा है यस बैंक और IDFC के साथ, तो आंसर है 3 और 4। कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने ग्रेस FO यानी ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो ऑन ये लॉन्च करा है, ग्रेस मिशन, ये भारत के ये जो दुनिया के गुरुत्वाकर्षण को स्टडी करेगा ये करा है नासा ने, और ये इन्होंने जर्मनी की जो स्पेस एजेंसी है DLR उसके साथ मिलकर करा ये मिशन, तो नासा ने करा ये मिशन जिसको बोलते हैं ग्रेस FO। इनका एक पार्कर मिशन भी है सोलर मिशन, और जो इसरो है वो भी सूरज पे भेजेगी मिशन अपना, उसका नाम है आदित्य L1, और इनका नासा का है पार्कर सोलर मिशन। कौन से कंट्री का सेंट्रल बैंक है जिसने अलाउ कर दिया है अपने डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स को कि वो विदेशी बैंकों से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा बोरो कर सकते हैं? ये करा है नेपाल राष्ट्र बैंक ने, सो आंसर है नेपाल। और पिछले वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कौन सा कंट्री है जिसने अपनी खुद की स्पेस एजेंसी बना ली है, तो आंसर है ग्रीस। ग्रीस ने अपनी खुद की स्पेस एजेंसी अभी अभी बनाई है। कौन सा बैंक है जिसने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ टाई अप करा है, ये इन्होंने क्रेडिट कार्ड बनाया है डॉक्टर्स के लिए, ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसको बोलते हैं डॉक्टर्स SBI कार्ड। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस बॉट अपने बैंकिंग सेक्टर में यूज करा है, क्या नाम है इसका? इसका नाम इन्होंने दिया है केया, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अंडरस्टैंड कर सकता है भाषाओं को, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उदय कोटक। मायामी ओपन फ्लोरिडा अमेरिका में ये मैन सिंगल टाइटल किसने जीत लिया? बात हो रही है टेनिस की। ये खिलाड़ी है जॉन इस्नर, और ये जॉन इस्नर जो खिलाड़ी हैं ये अमेरिका के ही हैं। इन्होंने हराया अलेक्जेंडर जवारेव को, और अलेक्जेंडर जवारेव हैं जर्मनी के खिलाड़ी, जर्मनी के। आर के दोरेंद्र सिंह का निधन हो गया, ये कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मणिपुर के। मणिपुर में एक लोकटक झील है जो पूरे उत्तर पूर्व की नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी लेक है, और लोकटक लेक पे एक तैरती हुई प्रयोगशाला अभी अभी बनी है। मणिपुर के जो CM है वो है बीरेन सिंह, इम्फाल है राजधानी, और मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है वो है संगई। संगई ये 1974 से 1993 तक 4 बार मुख्यमंत्री थे वहां के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो फाउंडेशन डे है वो 1 अप्रैल को मनाया, तो कब बना था, कब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आंसर है 1935। एक हिल्टन यंग कमीशन था, उसने कहा था रिजर्व बैंक बनाओ, हिल्टन यंग कमीशन, तो हिल्टन यंग कमीशन के कहने पे ये बनाया गया था, ये क्लियर है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक तो गवर्नर होता है जो उर्जित पटेल है, और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, जैसे डॉक्टर विरल आचार्य हैं, BP कनुनगो हैं, NS विश्वनाथन हैं, ये सब है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय बिष्ट, इन्होंने भारत का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड जिसका नाम है हिंडौन एलिवेटेड रोड, ये कहाँ पे इसका उद्घाटन करा? ये करा गाजियाबाद में, गाजियाबाद में करा है, और 10 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है और 227 खंभों पे खड़ा है ये। ये उत्तर प्रदेश गेट को राजनगर एक्सटेंशन से ज्वाइन करेगा, 11,000 करोड़ रुपए का बना ये, और मेनली गाजियाबाद के लिए बनाया गया है। ये राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनमें से पहली महिला कौन बनी है जो UN पॉलिटिकल अफेयर को हेड करेंगी, फर्स्ट वुमेन, पहली बार? इनका नाम है रोज मैरी डी कार्लो। कौन सा एयरपोर्ट है जिसे सबसे साफ सुथरा एयरपोर्ट भारत का डिक्लेयर किया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो 23वां एनुअल डे था उस दिन? भारत का सबसे साफ सुथरा एयरपोर्ट है मैंगलुरु एयरपोर्ट है कर्नाटक में, और ये 53 एयरपोर्ट है उनमें से सबसे साफ है मैंगलुरु एयरपोर्ट। इनमें से कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का दक्षिण भारत के लिए चेयरमैन कौन बना है? इनका नाम है आर दिनेश। दो कौन से भारत के एक्टिविस्ट हैं जिन्हें
कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड के 20 फाइनलिस्ट में जगह मिली है। एक है मृणालिनी दयाल और एक है योगेश कुमार। 1 and 4 क्या क्या करा इन्होंने। मृणालिनी दयाल जो है ये हेल्थ ओवर स्टिग्मा नाम का एक कैंपेन चलाती हैं, और जो कुमार हैं ये इवन कार्गो नाम का एक सोशल एंटरप्राइज चलाते हैं, और यूनाइटेड नेशंस का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 है जो लिंग समानता की बात करता है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। कौन सी स्पोर्ट्स फेडरेशन है जिसने मोबाइल ऐप लॉन्च करा है स्काउट मी, ये टैलेंट फाइंड करना चाहते हैं, जो प्रतिभाशाली जो लोग हैं उन्हें रिक्रूट करना चाहते हैं उन्हें, तो ये करा है फुटबॉल फेडरेशन ने, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसके प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल। इसको स्काउट मी को एक 17 साल के बच्चे ने बनाया है जिसका नाम है खुश पांडे। भारत और अमेरिका की काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई, इसकी 15वीं बैठक कहां पे हुई, इसकी बैठक हुई नई दिल्ली में। सीवी राजेंद्रन का निधन हो गया, ये कौन थे, ये तमिल फिल्मों के एक फिल्म डायरेक्टर थे। भारत को अपना पहला अमेरिका से एलएनजी शिपमेंट मिला है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस शिपमेंट मिला है, ये कहां पे पहुंचा भारत में, कौन से बंदरगाह पे पहुंचा, ये पहुंचा दाभोल में। अब दाभोल आपको नहीं पता होगा, ये महाराष्ट्र में है। वैसे महाराष्ट्र में एक जिसे कहते हैं मंदिर भी है, सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई में प्रभादेवी में है, भगवान गणेश जी का मंदिर है ये। और महाराष्ट्र में एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है घोड़ाजारी, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ कोयना, और एक और है फनसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीन इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में। लावणी यहाँ का डांस है, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम है। और इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि जो गेल कंपनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसका चेयरमैन कौन है, तो बी सी त्रिपाठी। 2018-19 का जो बजट प्रपोजल है वो कब से लागू हो जाएगा, ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, 1 अप्रैल। इनमें से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने डेप्यूटी कलेक्टर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी कलेक्टर, किसको डेप्यूटी कलेक्टर बनाया है, ये है किदंबी श्रीकांत। किदंबी श्रीकांत वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर हो गए हैं, वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर हो गए हैं। ये इनके कोच हैं गोपी चंद, तो ये इनके कोच हैं। और आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश में एक एलिफेंट रिजर्व भी है जिसको बोलते हैं कोरिंगा एलिफेंट रिजर्व, कोरिंगा। और एक अरुणाचल में है फेमस जिसको बोलते हैं कामेंग एलिफेंट रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में एक अभी रोडोडेंड्रोन पार्क भी बना है तवांग में, रोडोडेंड्रोन पार्क, जो रोडोडेंड्रोन पौधा होता है उसका वहां कंजर्वेशन किया जाएगा। रोडोडेंड्रोन वैसे बता देता हूं नेपाल का नेशनल फ्लावर है। इनमें से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने अपना कोच किसे बनाया है 2018-19 के लिए, ये है इरफान पठान। कौन सी स्पेस एजेंसी है जो इंटीरियर एक्सप्लोरेशन के लिए सीज़मिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यानी भूकंप संबंधी जानकारी के लिए एक वो भेजेगी, अपना मिशन भेज रही है, शुरू कर रही है, और ये कर रही है मार्स के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर, ये करेगी नासा करेगी। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, और वॉशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है और IMF का हेडक्वार्टर भी है। तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड में साल की सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्समैन का अवार्ड किसे मिला है, और कोई नहीं, ये है मिथाली राज, भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन मिथाली राज। और बेस्ट सीनियर मेल एथलीट का अवार्ड मिला है किदंबी श्रीकांत को, और बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड मिला है पीवी सिंधु को, लेकिन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर रही मिथाली राज। EPFO एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक वेबसाइट बनाई है, पोर्टल बनाया है, किसके लिए बनाया है, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए, डिफेंस पर्सनल, पेंशनर, या ऑल ऑफ द अबव, आंसर है पेंशनर्स के लिए बनाया है। और एक चीज और, जो ग्रेच्युटी है सरकार ने, जो टैक्स फ्री लिमिट है वो 10 लाख से बढ़ा के कर दी थी 20 लाख। 2017 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इन्होंने 150 रोड प्रोजेक्ट अवार्ड करे हैं, टोटल इन पे खर्चा होगा 1,22,000 करोड़। कितने किलोमीटर के रोड बनाने के प्रोजेक्ट अवार्ड किए गए हैं, ये हैं 7400 किलोमीटर के, 7400 किलोमीटर। सबसे ज्यादा सड़कें कहां बनेंगी, 1,234 किलोमीटर सबसे ज्यादा बनेंगी राजस्थान में। इनमें से कौन सा राज्य है जिसको अपने कड़कनाथ चिकन के लिए मिल गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, कड़कनाथ चिकन होता है यहां पे, अब उसे GI टैग मिल गया है, तो यह मिला है मध्य प्रदेश को। और ये एक काले रंग का, एक ब्लैक फेदर, काले रंग के पंखों वाला स्पेशल चिकन होता है। छत्तीसगढ़ भी कह रहा था कि हमारा है मुर्गा, और मध्य प्रदेश कह रहा था ये हमारा है, लेकिन मध्य प्रदेश को मिल गया है, छत्तीसगढ़ को नहीं मिला है। ये मुर्गा पाया कहाँ जाता है, ये झबुआ में पाया जाता है, झबुआ, ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली,
झबुआ और यहाँ पे पाया जाता है। हमारे ट्राइबल अफेयर मंत्री हैं सुंदरगढ़ उड़ीसा से लोकसभा सांसद हैं, इनका नाम है ज्वाल ओरम। कौन सा शहर है जो भारत का पहला शहर बना जहाँ पे यूरो 6 ग्रेड फ्यूल, जिसे भारत स्टेज 6 फ्यूल भी बोलते हैं, वो लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ दिल्ली में। दिल्ली की डेडलाइन है अप्रैल 2018 थी और पूरे भारत की डेडलाइन है अप्रैल 2020। नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे के हिसाब से भारत के कितने ऐसे घर हैं जिनके पास एक्सेस टू टॉयलेट्स है, एक्सेस टू टॉयलेट, तो ये है 93%। ये काफ़ी बड़े लेवल पे एक ये सर्वे किया गया था और भारत में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी टॉयलेट नहीं है, 20 करोड़ लोग ऐसे हैं। और अगर मैं बात करूँ पीने के पानी की, तो भारत में जो ट्राइबल है, टोटल जो खर्चा पीने के पानी पे होता है उसका 10% होता है ट्राइबल्स पे, शेड्यूल्ड ट्राइब पे, और सबसे ज़्यादा ट्राइबल का जो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है वो है मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे उड़ीसा, तीसरे नंबर पे झारखंड। कितना स्टेक एयर इंडिया जो है वो बेचेगी अपना? 76% बेच रहे हैं। एयर इंडिया का निजीकरण होगा, अब देखना होगा कौन कौन खरीदता है इसमें, लेकिन जो एयर इंडिया है इसके चेयरमैन कौन है? प्रदीप सिंह खरोला, पी के खरोला। भारत ने जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है अपना यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA पैलेस्टाइन रिफ्यूजी के लिए, वो 1.5 मिलियन से बढ़ा के कितना कर दिया है? इन्होंने कर दिया है $5 मिलियन, $5 मिलियन। पैलेस्टाइन की राजधानी है ईस्ट जेरूसलम। कौन सी कंपनी है जिसने GIF प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है टेनोर, इसे खरीद लिया है? GIF इमेजेस वगैरह बनाता है ये कंपनी है गूगल। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। इनमें से इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? दोबारा बने, पहले भी यही थे, तो ये हैं अब्देल फता अल सीसी, वेरी इंपॉर्टेंट। इजिप्ट की राजधानी कैरो है, यहाँ पे वंडर ऑफ द वर्ल्ड जिन्हें बोलते हैं पिरामिड वो भी है, नील नदी भी है यहाँ पे। यहाँ पे एक जगह है जिसको बोलते हैं तहरीर स्क्वायर। भारत का कौन सा मंत्रालय है जो स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप शुरू करी है, जिसने कॉलेज स्टूडेंट के लिए ये करी है? ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इसकी मंत्री उमा भारती हैं। एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज को बोलते हैं वन विभाग, जो वन पर्यावरण मंत्रालय, डॉक्टर हर्षवर्धन है इसके। दूसरे है हाउसिंग अर्बन अफेयर, हरदीप पुरी है। रूरल डेवलपमेंट, नरेंद्र सिंह तोमर, ये हैं हमारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच कौन थे जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है? इनका नाम है डेरिल लीमन। 2018 100 लिस्ट ये इंडियन एक्सप्रेस ने रिलीज करी है, IE 100 लिस्ट, इसको टॉप किसने किया है? इसको टॉप किया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी है नंबर 1 पे, अमित शाह है नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे है दीपक मिश्रा। मुकेश अंबानी नंबर 10 पे है, विराट कोहली नंबर 20 पे है। ये है IE 100 लिस्ट बाय इंडियन एक्सप्रेस। दीपक मिश्रा जो है भारत के चीफ जस्टिस है 45वें। इनमें से कौन सा हॉट मेटेलिक अर्थ साइज प्लेनेट है जो अभी अभी डिस्कवर करा है वैज्ञानिकों ने? इसका नाम है K2-229b। ये नया प्लेनेट है जो डिस्कवर हुआ है, K2-229b। ये धरती से 260 मिलियन ईयर दूर है। अमेरिका की जो मिलिट्री है ये दुनिया की सबसे स्ट्रांग मिलिट्री है, दूसरे नंबर पे है रशिया की, तीसरे नंबर पे चाइना की, चौथे नंबर पे है इंडिया की, अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो यूएस मिलिट्री ने फॉल ईगल एंड की रिजॉल्व ड्रिल करी अभी अभी कौन से कंट्री के साथ? ये इन्होंने करी अभी अभी साउथ कोरिया के साथ। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, यहाँ पे प्योंग चैंग नाम की जगह पे विंटर ओलंपिक हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? सबसे ज्यादा जीते नॉर्वे ने, और पैरा ओलंपिक में जीते अमेरिका ने सबसे ज्यादा मेडल। सेबी ने जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है एंजल फंड्स के द्वारा वेंचर कैपिटल में, वो डबल कर दिए उसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट। कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 10 करोड़। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो एंजल इन्वेस्टर कर सकता है वो है 25 लाख, पहले भी 25 लाख थी, अब भी 25 लाख है, लेकिन जो ज्यादा थी सबसे तो वो अब बढ़ा के कर दी है 10 करोड़। सो आंसर है 10 करोड़। सेबी ने अपनी एक और अनाउंसमेंट करी है, इन्होंने एक कमेटी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, उसके काफी सारे रिकमेंडेशन माने हैं। इस कमेटी का नाम क्या था? इसकी ये कमेटी थी उदय कोटक कमेटी। इनके 80 रिकमेंडेशन थे, 40 इन्होंने मान ली है, 40 इन्होंने मान ली है लगभग। तो ये रिकमेंडेशन है सारे। जो हमारी केंद्र सरकार है इन्होंने एक MOU साइन करा है UK के साथ और नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ, किस क्षेत्र में कॉपरेशन के लिए करा है? ये इन्होंने करा है संगठित अपराध को रोकने के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए। नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी बहुत कम लोग जानते हैं, बेलफास्ट। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है MOU इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, कौन से देश के साथ? IPR। ये हमने करा है कनाडा के साथ साइन। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर है, यहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडियो है, राजधानी है ओटावा। गुलाम मोहम्मद मुस्तफा का निधन हो गया, ये कौन थे? ये एक पत्रकार थे, सो आंसर है जर्नलिस्ट, और ये PIB में काम करते थे, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो वगैरह में काम करते थे। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने एक नया
अप्रूव किया है इंटीग्रेटेड स्कीम स्कूल एजुकेशन के लिए। इस स्कीम में जो पुरानी स्कीम है सारी कौन कौन सी हैं जो सब्स्यूम हो जाएंगी, यानी पुरानी को रिप्लेस करेगा ये, तो ये रिप्लेस करेगा इन सबको, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को, सर्व शिक्षा अभियान को, टीचर एजुकेशन को। आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अब ये तीनों स्कीम खत्म हो रही है, इनकी जगह एक इंटीग्रेटेड स्कीम आ जाएगी। इसके अलावा जो हमारा आयुष्मान भारत है जिसमें हम 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं 10 करोड़ परिवारों को, आयुष्मान भारत भी पुरानी जो राजीव गांधी हेल्थ स्कीम थी और सीनियर सिटीजन हेल्थ स्कीम दोनों को रिप्लेस कर रहा है। कौन से फॉर्मूला वन ड्राइवर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीत ली? इनका नाम है सेबेस्टियन वेटल। ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं? फरारी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने इनमें से कौन सी चीज पे जो रिमूव प्रोहिबिशन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ, कौन सी चीज पे निर्यात पे रोक लगाई थी, अब वो रोक हटा ली है? ये लगाई थी एडिबल ऑयल, लेकिन सब पे नहीं हटाई, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का जो तेल होता है उस पे अभी भी निर्यात बैन है, बाकी सब पे हटा लिया है। जो हमारी फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च करा। कहाँ पे हुआ है ये? ये अजमेर में हुआ है, अजमेर में, और इसका नाम है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। ये रूपनगढ़ गांव में लगा है, अजमेर में। रक्षा मंत्रालय ने अपनी ड्राफ्ट प्रोडक्शन पॉलिसी डिफेंस की वो रिलीज करी। कितना अमाउंट ऑफ टर्नओवर ये अचीव करना चाहते हैं मिलिट्री गुड्स एंड सर्विसेज में 2025 तक? ये करना चाहते हैं अचीव 1,70,000 करोड़, 1,70,000 करोड़। जो सरकार है उसने किसे भारत का रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करा है? यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। यूनेस्को से इसराइल ने और अमेरिका ने अपना नाम वापस ले लिया है, अभी यूनेस्को के मेंबर नहीं है दोनों। 31 दिसंबर 2018 के बाद नहीं रहेंगे, पर अपना कंफर्मेशन दे दिया है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को की जो डायरेक्टर जनरल है वो है ऑड्री अजोले, और ये फ्रांस की है। इनका नाम है प्रोफेसर जे एस राजपूत। भारत में 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, 36वां था अहमदाबाद का शहर, और यूनेस्को की 13 इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है। कौन सी आईपीएल फ्रेंचाइज है जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्टीवन स्मिथ को अपने कैप्टनसी पद से हटा दिया है? तो ये कौन सी टीम के कैप्टन थे? राजस्थान रॉयल, राजस्थान रॉयल। एक बात और बता देता हूँ, डेविड वार्नर एक खिलाड़ी हैं, डेविड वार्नर सनराइजर हैदराबाद के कैप्टन थे, उन्हें भी हटा दिया है। तो और इतना ही नहीं, ये इनको बैन भी कर दिया है आईपीएल से, 2018 से बैन भी कर दिया है। बीसीसीआई के अभी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो हैं सीके खन्ना, और आईपीएल के चेयरमैन हैं राजीव शुक्ला। वर्ल्ड थिएटर डे ये कब मनाया गया? ये 27 मार्च को मनाया गया, 27 मार्च, और ये 1961 में स्टार्ट हुआ था। इनमें से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के एक्टिंग चेयरपर्सन कौन बने हैं? क्या नाम है इनका? ये है जस्टिस जवाद रहीम, जस्टिस जवाद रहीम। ये कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज भी हैं, और बस इतना याद रखिए। कितना अमाउंट हमारी केंद्र सरकार ने एलोकेट करा है 3 साल के लिए, 31 मार्च 2020 तक हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में विकास पे खर्चा करेंगे? ये अमाउंट है 4500 करोड़। जो हमारा मंत्रालय है DONER, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, उसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनमें से वोडाफोन और आइडिया कंपनी एक दूसरे में समा गई है, इनका विलय हो गया है, मर्ज हो गई है। इसका CEO कौन बना है? मर्ज होके जो कंपनी बनी है, इनका नाम है बलेश शर्मा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज, ये बार्सिलोना से इसने अपनी यात्रा स्टार्ट करी है, इसका नाम क्या है? इसमें 6680 पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं, और ये 1188 फीट लंबा जहाज है। इसको फ्रांस की कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है STX, इसका नाम है सिम्फनी ऑफ द सीज। फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमेयर भारत की यात्रा पर आए थे, कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? ये जर्मनी के राष्ट्रपति हैं, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और यहाँ की चांसलर हैं एंजेला मर्कल। इकोनॉमिक अफेयर जो सेक्रेटरी है हमारे सुभाष चंद्र गर्ग, भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा कब तक? हम अभी $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 हो जाएंगे हम 2025 तक, और 2025 हमारी डेडलाइन है ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए। कितना पैसा जो हमारी सरकार है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हाउ मच अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट गारंटी हैज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूव्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? कितनी गवर्नमेंट गारंटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूव करी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन बॉन्ड्स जिनको LIC सब्सक्राइब करेगा, ये गारंटी है 5000 करोड़। हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और रेलवे का एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट सक्षम, जिसमें वो अपने 13 लाख कर्मचारियों को ट्रेन कर रहे हैं, और एक है ऑपरेशन स्वर्ण, जिसमें वो ट्रेन जो है राजधानी शताब्दी वगैरह उनमें सर्विसेज को इम्प्रूव कर रहे हैं। इनमें से पहला डिस्ट्रिक्ट कौन बना है भारत का जहाँ पे जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वो सारे सौर ऊर्जा से चलेंगे? इसमें लगभग 52-53 कुछ वो हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और ये है सूरत। सूरत को भारत का डायमंड सिटी बोलते हैं, गुजरात में है ये, एक इंपॉर्टेंट बात। प्राइमरी हेल्थ सेंटर 30,000 की जनसंख्या को पे एक होता है,
मैदान वाले एरिया में और पहाड़ों वाले में 20,000 की जनसंख्या पे एक होता है। तो सूरत तो पहाड़ वाला नहीं है, तो इसमें 30,000 है। कौन सा एयरपोर्ट है जिसे मोस्ट इंप्रूव्ड एयरपोर्ट एपीएससी रीजन का अवार्ड मिला है, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड? सबसे इंप्रूव्ड एयरपोर्ट है ये, तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये है अहमदाबाद में। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव, जो गुलामी गुलाम वंश होता था, गुलामी के शिकार, उनके लिए हम जो दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय, वो कब मनाते हैं? ये 25 मार्च को मनाया गया। इसका थीम था रिमेंबर स्लेवरी ट्रायम्फ एंड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी, यानी गुलामी को याद रखो और जिन्होंने गुलामी खत्म करने के लिए अपना स्ट्रगल करा उनको याद रखो। एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन ये कहां पे खुला है? ये श्रीनगर में खुला है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन बोलते हैं इसे, तो ये है आंसर है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेक हैं, वुलर लेक और डल लेक। कितना पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को दे रहा है जो हिमाचल प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट है, यूथ एम्प्लॉयबिलिटी प्रोजेक्ट? उसके लिए हिमाचल प्रदेश ने एक शक्ति प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था महिलाओं की सेफ्टी के लिए, शक्ति ऐप भी लॉन्च करा था, तो ये लोन दिया है $80 मिलियन का, $80 मिलियन। और जयराम ठाकुर है यहाँ के मुख्यमंत्री। यहाँ का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड। कितने घर अप्रूव किए हैं केंद्र सरकार ने अर्बन पुअर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत? ये घर है 3.21 लाख। प्रधानमंत्री आवास योजना की डेडलाइन है 2022। कौन सी कंपनी है जिसने इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है वाराणसी में? इसको वायरलेस सिटी बनाएंगे, जो इतनी तारें हैं बिजली बिजली की आपको वाराणसी में नजर नहीं आएंगी, ये स्टार्ट करा है पावर ग्रिड ने, पावर ग्रिड। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत कौन से नंबर पे बिजली उत्पादन के क्षेत्र में है दुनिया में? भारत बन गया है नंबर वन पे चाइना, दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे आ गया है भारत। कौन सी कंट्री है जिसने एक मीटिंग करी है भारत के साथ, ट्रेड डेफिसिट भारत खत्म करना चाहता है इस देश के साथ? ये देश है चाइना। भारत का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बहुत ज्यादा है, लगभग $50 बिलियन हर साल हमारा ट्रेड डेफिसिट है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 प्रोजेक्ट अभी अभी उनकी आधारशिला रखी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट हैं ये, कहां पे रखी? ये रखी इन्होंने वाराणसी के अंदर, वाराणसी के अंदर। एक बात याद रखिए, एक किताब है जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नायक ने लिखी है, जिसका नाम है चरावती चरावती, चरावती चरावती। ये संस्कृत में इसका अध्याय रिलीज करा अभी अभी रामनाथ कोविंद ने। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। तो ये था वीडियो, आई होप ये पसंद आया होगा आपको। बहुत टाइम हो गया था मुझे भी करंट अफेयर रिकॉर्ड करें, मैं भी काफ़ी मिस कर रहा था। खैर अब बहुत स्पीड से काम होगा, अब मैं बहुत सारे वीडियो यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। यूपीएससी की एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है, ये सब भी चल रहा है, और साथ में और नए नए वीडियो, अभी कल मैंने ओबिचुअरी और वो सब डाला था, इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट डाला था, भारत की क्या इंडेक्सेस में रैंक है वो डाला था, भारत में जो सरकारी स्कीम है उनकी डेडलाइन क्या है ये डाला था। तो काफ़ी इनोवेटिवली हम आगे बढ़ रहे हैं करंट अफेयर और जीके वगैरह में। तो देखते रहिए स्टडी आईक्यू, और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके व्हाट्सएप, टेलीग्राम या जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ करिए। थैंक यू सो मच।